जैसे कि हम पहुंच चुके हैं वृंदावन में और अभी जा रहे हैं, हम खाना खुना खा लिया हमने दिन का और नहा धो के हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। अब जा रहे हैं हम निधिवन बिहारी लाल जी के मंदिर। हम सब लोग जा रहे हैं, दो रिक्शे करने पड़ेंगे हमको, यहाँ से थोड़ा दूर है तो आगे दिखाते हैं आप लोगों को। ये रही हमारी फोन, फोन कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, फिर यूट्यूब चैनल गया। इधर देखो रे, हमको करने पड़ेंगे दो रिक्शा, एक में तो नहीं आ पाएंगे कोई। आगे चलते हैं वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर। जय हो राधे राधे। पानी भी रखना, पानी आ गए हमारे दो रिक्शे, एक ये है और एक ये है, और बैठते हैं इनमें। चलो आओ, अभी हम जा रहे हैं निधिवन में, मेरे साथ दो बच्चे ये बैठे हैं मोर की छुपारा में और वो लोग आ रहे दूसरे वाले रिक्शे में, और इससे आगे वाला वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और बिहारी जी के दर्शन हो गए, निधिवन हो गया, प्रेम मंदिर हो गया, ये सब जो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बने रहे और राधे 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 राधे। हम लग चुके हैं लाइन पे, सुनाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा, कोई भीड़ हो रही है। हम पहुंच चुके हैं निधिवन में, अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ बहुत भीड़ है। ये है निधिवन, चलो ये है निधिवन का अंदर का दृश्य, जहाँ पे कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रची थी, और आज भी ये उसी का प्रमाणित है। जैसे जैसे उन्होंने रासलीला की नृत्य किया था गोपियों ने, ये पेड़ बिल्कुल उसी तरह से टेढ़े मेढ़े हैं। इससे आगे की जानकारी आंटी जी देंगे हमको, जो हमारे आंटी जी आ रखे हैं साथ। हुए थे वो भगवान जी निधिवन में तो प्रकट हुए थे, तब राधा कृष्ण दोनों उनकी गोद में नहीं बैठे हुए थे। बोलो राधा कृष्ण जी यहीं पे निधिवन में प्रकट हुए थे, हरिदास जी ने प्रकट करे थे, तो वो फोटो सभी तो दिख रही है वहाँ पे इस निधिवन में भी उनका मंदिर। रुक जाओ, जय हो राधे राधे। ये है निधिवन का सुंदर नजारा। ये देखो कैसे हैं ये, मतलब बिल्कुल जैसे गोपियों ने, मतलब वो क्या होगा जैसे जब रास रासलीला हुई थी ना यहाँ, ये है निधिवन का छोटा सा अंदर का दृश्य, क्योंकि अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं, अंदर तो कोई भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आज भी माना जाता है कि कृष्ण गोपियों के संग रासलीला करते हैं। रात को यहाँ पे साफ बिल्कुल साफ सफाई रहती है, सुबह होते ही यहाँ पे फूल बिखरे रहते हैं और पत्ते पुत्ते सारे झड़े रहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी रात को रासलीला करते हैं यहाँ पे अपने गोपियों के संग। तो इस दृश्य को कोई भी नहीं देख सकता, जो इस दृश्य को देखेगा उसकी आंखें फूट जाते हैं या तो वो पागल बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चारों ओर जाले, लकड़ियों के जाले बना रखे हैं कि कोई भी भक्तजन जो है इन पेड़ पौधों को न छेड़ें, इसलिए ये चारों ओर जाले जाले बना रखे हैं। जय हो राधे राधे। चलो तो आओ, पता नहीं वो वहाँ चल गया आगे। जय हो राधे राधे। हाँ बंसी चोरी रा
कदम्ब का पेड़ है, इसमें श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के जो नहा रही थी मतलब नग्न अवस्था में, तो उन्होंने उनके कपड़े यहाँ टांग दिए थे उनको ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई गंगा जमुना जी की या किसी नदी में बिना वस्त्र के नहीं नहाया जाता, तो यहाँ टांगे थे उन्होंने वही पेड़ है, ये कदम्ब का ही वही पेड़ है आज भी है। पहले यहाँ तक थी जमुना जी, अभी जमुना जी वो चल पीछे चली गई, माथा टेकना तो टेक लो, हमने तो पहली बार टेक दिया। जय माता जी।